मोक्षधाम के गेट पर डंपिंग यार्ड निर्माण कर सफाई अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान की पैरवी करने वाली बीजेपी सरकार गांव के लोगों के स्वास्थ्य से पूरी तरीके से खिलवाड़ कर रहा है। एक तरफ जनप्रतिनिधि और नगर परिषद के अधिकारी स्वच्छ शहर अभियान का करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आमदार खासदार जनप्रतिनिधियों की क्या मजबूरी है पता नहीं, ये सब मुंह व आंख पर पट्टी बांध कर मूक दर्शक बने हुए हैं। गोंदिया शहर की जनता से इस संबंध में काफी रोष है और ये विषय विधानसभा में भी काफी हलचल मचाने वाला है। गणेश नगर, गौशाला वार्ड, गौतम नगर, सुभाष वार्ड व आजू बाजू के क्षेत्र में भयानक बीमारी पैदा होने के संकट का शायद प्रशासन इंतजार कर रहा है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है। वो एक मैयत में आया था मोक्षधाम घाट पर, तो यहाँ का जो गेट के ऊपर जो डंपिंग यार्ड बनाया नगर परिषद ने, वो डंपिंग यार्ड ऐसा लग रहा है कि गांव के जो तमाम समाज के लोग यहाँ आते हैं अपने सब सगे संबंधित रिश्तेदारों के यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए, तो उनके जान से एक प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये सारी जवाबदारी यहाँ के नगर प्रशासन के साथ साथ जिला कलेक्टर मैडम, यहाँ के लोकल आमदार, यहाँ के जो एमपी हैं और यहाँ के जो पूर्व नगर परिषद के नगराध्यक्ष हैं, साथ ही सभी वार्डों के नगर परिषद के सदस्य, विशेषतः गौशाला वार्ड, सुभाष वार्ड, सावरा टोली, गणेश नगर, यहाँ के जो नगर सेवक हैं, इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ऐसा है जो सामाजिक स्थल है ये, कि जहाँ आदमी का अंतिम संस्कार किया जाता है और गांव के जो गणमान्य लोग यहाँ सभी समाज के आते हैं, तो यहाँ जो डंपिंग यार्ड बना के नगर परिषद जो जनता के क्या बोलेगी कि उसके जनता के साथ एक खिलवाड़ कर रही है और एक रोग राई शहर में फैलने का बहुत बड़ा संकेत, यहाँ एक कारखाना तैयार हो गया है कि जिसमें कई प्रकार के जीव जंतु, यहाँ लाखों टन कचरा यहाँ डाल के नगर परिषद क्या सिद्ध करना चाहती है। गांव में एक तरफ बजरंग दल की तरफ से सर्वधर्म स्वच्छता अभियान की तरह हर रविवार को यहाँ सफाई अभियान होता है सुबह 7 से 8, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उस अभियान के एकदम विरुद्ध काम यहाँ चल रहा है। डंपिंग यार्ड को स्वरूप यहाँ मोक्षधाम घाट को प्राप्त हो चुका है और इसके तरफ जनता में काफ़ी रोष है, पूरे शहर की जनता में, सर्व समाज में इसका रोष है और आने वाले दिनों में ये रोष किस रूप में प्रकट होगा और प्रशासन को इसकी पूरी जवाबदारी जो रोग राय फैलेगी उसकी और जनता के रोष की, प्रशासन को इसकी जवाबदारी वहन करना ही पड़ेगा। और एक दिन जनता का ये रोष नगर परिषद को, जनप्रतिनिधियों को काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है।